नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट। लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह के छोटे बेटे की पत्नी अपर्णा यादव को दिया गया टिकट। एक फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख टालने की अर्जी को किया खारिज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते आम बजट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ जलीकट्टू पर विधेयक। जलीकट्टू के स्थायी समाधान की मांग को लेकर तमिलनाडु में कई जगह हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस बलों के बीच जमकर हुई झड़प। कोला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ दिए जांच के आदेश। सिन्हा पर कोयला घोटाले की जांच प्रभावित करने और पद का दुरुपयोग करने का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सीबीआई निदेशक और अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में एसआईटी जांच का दिया निर्देश। डीएनडी से सफर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। डीएनडी फ्लाईवे 8 हफ्तों तक रहेगा टोल फ्री। इन 8 हफ्तों में टोल कंपनी के खातों की जांच करेगी सीएजी। जांच रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट देगी कोई फैसला। और दिल्ली में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर लगाई रोक। अब बिना सरकार की मंजूरी के निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।